नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव कुमार, साइकेट्रिस्ट मुजफ्फरपुर बिहार से। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर, आजकल की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, क्या करें जो हम तनावग्रस्त नहीं हों। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप अगर कोई चीज़ लोगे ही नहीं, फिर वो चीज़ आपके पास आएगी कैसे। तो बोलते क्या मतलब। मैं बोलता हूँ कि सपोज मैंने आपको 500 रुपये दिए, आपने वो नहीं लिया तो किसके पास रहेगी। तो बोलते सर, आप मैंने लिया तो आपके पास रहेगी। तो यही चीज़ तनाव पर भी लागू होती है। किसी और ने आपके अगेंस्ट कुछ बोला, उसको लेके आपको तनाव हुआ, आप उसे लो ही मत। अगर आप उसको लेते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका स्विच किसी और के हाथ में है। कोई आपको जब भी चाहे आपको बोलवा सकता है, कोई आपको आपके हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से चला सकता है। तो तभी आपको तनाव ज़्यादा होता है, जब आप इरिटेट हो जाते हो। सपोज आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा स्टाफ है, कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो आपके नस नस को पहचानता है, आपकी रग रग से वाकिफ है, वो जान के ऐसा काम करता है कि आप इरिटेट हो जाते हो और फिर आपका 3-4 दिन उसके साथ वेस्ट हो जाता है। आप बिल्कुल, आपका मूड ऑफ हो जाता है बिल्कुल। कभी कभी लगता है कि जॉब छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये सब स्टार्ट होता है आपके से। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही मत करो। आप ऐसे शो करो जैसे आप उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर रहो, बिल्कुल चिल होकर रहो, अंदर से इंजॉय करो आप। और वो जो टेंशन देते हैं, वो जो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने धुन में जाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए और दूसरों के बारे में सोचिए। अगर आप दूसरों के बारे में केयर करेंगे तो फिर अपनी केयर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल होने से बचा सकते हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।